ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र दूंगा जिससे कि आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। एक ऐसा यंत्र जो कि एक बार लगा दिया तो सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। वो ना दिन दिखेगा ना रात, बस आप ही के बारे में विचलित होता रहेगा, आप ही के बारे में सोचता रहेगा। बहुत ही प्राचीन गूढ़ ग्रंथों में से ये यंत्र जो है वो मैं लेकर आया हूँ। लगभग 20 साल पहले मैंने किसी को ये दिया था और इसने जो उसके लिए काम किए हैं वो अविश्वसनीय हैं। मतलब उन पर भरोसा नहीं होता। एक बार ये यंत्र किसी पर लगा दिया जाए तो सामने वाला चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। इस यंत्र में कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी पड़ेंगी और इसके बाद जो है इस यंत्र को बनाएं। बहुत ही सरल है, कोई भी बना सकता है और अपना काम, अपना कोई भी मनोरथ आप इससे पूरा करा सकते हैं। तो सावधानियां ये हैं कि आपको मांस, मदिरा, अंडा, बीड़ी, गुटखा, जितने भी मादक पदार्थ हैं, जितने भी ये पदार्थ हैं, इनसे दूर रहिए। कोई भी नशे का आदि हो वो इस प्रयोग को ना करे, क्योंकि ये जितनी भी शक्तियां हैं ये अगर आप इस तरह के सेवन में हैं तो काम नहीं करेंगी। और सात्विक होकर 21 दिनों तक, या पहले दिन आप इस यंत्र को कर सकते हैं, पहले दिन से 11 दिन तक आपको ये यंत्र बनाने हैं। और अगर यंत्र ना मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका यंत्र मिल जाएगा। आपको 11 दिन ये करना है, अगर 11 दिन में काम ना हो तो 21 दिन करना है। यंत्र बनाइए और इसको जो शहद होता है, शहद की लकड़ी पर, जैसे कि मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल वैसा ही करना है। 11 दिन तक आपको इस यंत्र को वहाँ पर रखना है। 21 दिन 11 दिन आपको रोज जाकर देखना है कि वो वहीं पर है या नहीं, वो लकड़ी वहीं पर होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, बस एक यंत्र बनाना है, वो शहद की लकड़ी पर चिपका देना है और ये सुनिश्चित करना है कि उस स्थान पर वो लकड़ी रहे 21 या 11 दिनों तक। अगर 21 और 11 दिनों तक वो वहाँ पर रहती है तो समझिए जो आपका साथी है, जो प्रेमी है, वो आपकी ओर वशीभूत हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो यंत्र है इसको लगाकर वहाँ पर छोड़ आएं और दोबारा वहाँ पर ना जाएं, तब भी ये काम करेगा। लेकिन यदि आप 11 दिन या फिर 21 दिन तक ये प्रयोग करते हैं और उसके बाद उस लकड़ी को पानी में बहा देते हैं तो ये प्रयोग जो है सफल माना जाता है। आपको बस करना इतना है कि ये जो यंत्र आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको एक वीडियो दिखेगा, उसमें आपको यंत्र मिल जाएगा। उस यंत्र को लाल रंग की स्याही से बनाइएगा और भोजपत्र पर बनाना है। मुख और आपकी दिशा जो होगी वो पूर्व की तरफ रखना है। ऐसा करते हुए आपको इस यंत्र का निर्माण कर देना है। आपका आसन भी लाल रंग का होगा, आसन पर बैठकर कीजिए और आपके जो पैर हैं वो ज़मीन को टच ना हो, ऐसा कुछ, ऐसी कोई व्यवस्था करके फिर बैठिएगा। इसके बाद इसका निर्माण कीजिए और निर्माण के बाद अपने जो कुल देवता हैं, जो भी देवी देवता हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं, उनसे बात कीजिएगा कि ये जो मेरा अनुष्ठान इसको पूरा करें और इसमें मुझे सफलता दें। कुछ धूप दीपक, कुछ नवेद, ये सब उनको अर्पण करें और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जो भी मेरा ये अभीष्ट कर्म है इसमें आप अपनी उपस्थिति दें और इसको परिपूर्ण करें। इसके बाद जो है यंत्र का निर्माण शुरू करें। यंत्र निर्माण के बाद जो शहद की डंडी होती है उस पर इसको चिपका दें और किसी ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर लकड़ियाँ हों, या किसी पेड़ के ऊपर रख दें, कहीं पर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि मतलब कोई आता जाता ना हो। इसके बाद घर वापस आ जाइए। अब 11 दिन बाद जाकर देखिएगा वो लकड़ी वहीं है, अगर वहीं है तो उसको वहाँ से उठाकर किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए और इसके बाद घर आ जाइए। आपका जो प्रयोग है वो सफल हो जाएगा। इसी जब जिस हफ्ते में आप ये करेंगे उसी हफ्ते में आपको इसका असर दिख जाएगा।
पहले ही दिन से ये असर दिखाना शुरू कर देता है। और जैसे ही आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में, आपके संबंधों में वो मधुरता आ जाएगी, इतनी मिठास हो जाएगी कि बस पूछे ही मत। सामने वाला जो है वो ना दिन देखेगा ना रात, बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा। मैंने इस यंत्र से चमत्कार होते हुए देखे हैं। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं हमारे ब्रह्मांड में जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं पाते हैं। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है इस ब्रह्मांड का। और इसके अलावा जो है, इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं जिन्हें हम ना देख पाते हैं ना सुन पाते हैं। और उन्हीं की भाषा में ये यंत्र लिखा गया है। इस यंत्र को एक बार किसी पर लगा दिया जाए तो वो बस आप ही की ओर देखता रहेगा, टकटकी लगाए आपको देखता रहेगा। जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक वो रोता रहेगा। इस यंत्र को किसी का भी अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि अगर किसी मंद बुद्धि ने, किसी दुष्ट बुद्धि, कुबुद्धि ने इस यंत्र का प्रयोग किसी को अपने वश में करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया, तो इसके प्रभाव जो है वो विपरीत भी हो सकते हैं। कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग ना करें। अगर दिल में सच्चा प्यार हो और फिर कुछ मनमुटाव हो रहे हों, कुछ ऐसी दूरियां बन रही हों, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो अपनी बुद्धि को जो है वो पवित्र रखिए, स्वच्छ रखिए और अच्छा सोचते हुए इन प्रयोगों को कीजिएगा, तो ये अवश्य सफल होते हैं। यदि आपकी कुबुद्धि है और फिर आप इन प्रयोगों को करेंगे किसी का अनिष्ट करने के लिए, तो ये काम नहीं करेंगे। अगर काम कर भी दिया तो कुछ दिनों बाद ये आपको विपरीत असर दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर दिल में सच्चा प्यार हो तभी इसको कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कुछ पूछना हो तो कॉल कीजिएगा 9992841625 पर। 24 घंटे के भीतर भीतर मैं आपको इसका समाधान बता दूंगा, जैसे यथासंभव जो भी हो पाएगा। या फिर कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं फिर से आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिससे कि आप अपने प्रेमी को, अपने साथी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये बड़ा ही सरल प्रयोग है जिसमें कि हम यंत्र का प्रयोग करके किसी को भी अपनी ओर वशीभूत करते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो यंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इसको लाल रंग की स्याही से बना लीजिएगा। चाहे तो वो रोली हो, सिंदूर हो, किसी से भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद जो है, इसके पीछे अपने साथी और अपने साध्य का नाम लिखकर इसको शहद, जो असली शहद की जो डंठल होती है जिस पर कि शहद लगा होता है, उस शहद की लकड़ी पर लपेट कर इसको किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर कोई आता जाता ना हो। जिस प्रकार अगर आपको यंत्र समझ में ना आए तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो उसको डाउनलोड करके आप इस यंत्र को फोटो स्टेट भी कर सकते हैं अगर ना बनाना आए तो। आपकी सुगमता के लिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं। आपको क्या करना है कि एक चौकोर यंत्र बनाना है, कुछ इस प्रकार का बॉर्डर बनाकर आपको इसमें खाने बनाने होंगे। आपको 9 खाने बनाने हैं और इनमें सबसे पहले में रहेगा दूसरे में आपके पास कुछ ऐसा रहेगा। ये जो है ये भाषाएं इस धरा की नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे इस भाषा को और ये थोड़ी अलग ही होती है। तो ये आपका यंत्र बन गया है। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, यहां पर तो बहुत सुगमता से बन गया लेकिन आपको ये जो है ये भोजपत्र के ऊपर बनाना है। अगर भोजपत्र ना मिले तो आप इसको किसी सफेद कागज पे भी बना सकते हैं लाल स्याही से। और इसके पीछे लिख दीजिए अपने साथी का नाम।
कुछ इस प्रकार से आपको ये यंत्र बना लेना है। और उसके बाद जो है देख लीजिए एक बार, ये आपको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक लिंक मिल जाएगा। अगर बनाना ना आए तो आप इसकी फोटो स्टेट भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका जो दोनों का नाम लिख दे और उसके बाद इसको शहद की डंठल में लगाना है। तो कुछ इस प्रकार की होती है, देख लीजिए, ये असली शहद की डंठल है जो कि बहुत विरले ही किसी को मिलती है। गांव देहात पे तो ये आराम से मिल जाती है, लेकिन शहर में मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको ये अरेंज करनी पड़ेगी, इसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बस ये अगर नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, जिस तरफ से आपने नाम लिखा है, जो नाम लिखे हैं, इस तरफ से आपको इसमें इसको चिपका देना है कुछ इस प्रकार से। तो ये अब इससे चिपक गए, देखिए। इसके बाद आपको कोई ऐसा स्थान ढूंढना है जहां पर कि जो मधुमक्खियां हैं वो अपना शहद बना सकें। कोई ऐसी झाड़ियां हो, कुछ ऐसा हो जहां पर कि मधुमक्खियां शहद अपना बना सकती हैं, या फिर मधुमक्खियों का छत्ता हो, तो उस जगह पर जाकर आपको ये कुछ इस तरह से रख देना है। और याद रहे, ये झाड़ियां हो सूखी, उसमें ही रखना है आपको। इसके बाद हफ्ते भीतर आपको शुभ समाचार मिल जाएगा। ये इतनी मिठास भर देगा, जितना शहद होता है उतनी मिठास आपके रिश्तों में भर देगा। इस प्रयोग को कर देने से चाहे किसी भी तरह का विकार हो, कोई भी मनमुटाव हो, कोई भी झगड़ा हो, कलेश हो, सब इससे दूर हो जाता है। ये मैंने लाखों पर प्रयोग करके फिर आपको बता रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो डायग्राम बनेगा, इसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि ये जो भाषा है ये हम नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि इस भाषा को जानती हैं, और वो आपका जो भी मनोरथ होगा उसको पूरा करके देंगे। आपको क्या करना है, जिस तरह से बताया गया है वैसे ही यंत्र बनाएं, और उसके बाद इसको यथाविधि जो आपको बताया गया है बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो मुझे कॉल कर सकते हो 999-2816-1625 पर। आप व्हाट्सएप करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे दूँगा। और अगर कोई और समस्या हो तो भी आप कॉल कर सकते हैं 999-2816-1625 पर। धन्यवाद।